पूरी बनाया है सब्जी। भाई आ गए हैं। गाइज कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मेरे लिए खास दिन है। तो आज मेरी वाइफ का बर्थडे है। आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिए इनको, आशीर्वाद दीजिए इनको। ठंड बहुत ठंड पड़ रही है दिल्ली में, तो मेरा मन था कि मैं अपना बर्थडे नहीं मनाऊं, थोड़ा बहुत कुछ करूंगी और ज़्यादा कुछ नहीं करूंगी, ऐसा मैंने सोचा था। कि एक बात और भी है कि मैं कुछ दिन पहले अपने भाई को मैंने कॉल भी किया था कि भाई बर्थडे में तुम दिल्ली में हो तो आना, मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। भाई को पहले ही बता दी थी, तो मेरा भाई ने बोला था कि दीदी देखता हूँ कि बर्थडे में कहाँ रहता हूँ, पूरी कोशिश रहेगी कि मैं दिल्ली में ही रहूँगा और आपके बर्थडे में मैं आऊँगा। सुबह मेरा भाई का कॉल आया और मुझे वो विश भी किया और मुझे वो बताया कि दीदी मैं दिल्ली में ही हूँ, मैं आपके बर्थडे में आऊँगा। तो मैं बहुत ही खुश हो गई, ये ना दो चार गुना ज़्यादा बढ़ गई उसकी ये बातें बोलने से। और मैंने कहा कि नहीं, अब मैं तो बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। और नाइट में इन्होंने मुझे सरप्राइज भी किया, लेकिन मैं बहुत खुश हुई क्योंकि इन्होंने मेरे लिए मेरी पसंद की चीज़ लेकर आए थे जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो वही मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि इन्होंने मेरे लिए क्या लेकर आए हैं और मुझे वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है, हर चीज़ों से ऊपर है मेरे लिए वो चीज़। तो मैं आपको वही वीडियो में दिखाऊंगी। और मेरा भाई आ रहा है तो मैं बहुत ही खुश हूँ। उन्होंने मुझे सरप्राइज कर दिया एक ही बार में, ये बात बोल के बोला। मैं सोची थी, मैं कह भी दी थी कि तुम नहीं आओगे तो मैं बर्थडे नहीं मनाऊंगी, लेकिन तुम फटाफट नहा के और एक सूट पहना है, पहनूंगी मैं नाइट में, पहनूंगी जो भी कुछ पहनना होगा मैं नाइट में पहनूंगी और आपको दिखाऊंगी कि मैं आज क्या पहनने वाली हूँ। मुझे अभी खाना भी बनाना है, बच्चे आए भी नहीं हैं। सोच रही हूँ कि थोड़ा सा पार्लर होके आ जाऊँ क्योंकि मेरे आईब्रो बड़े बड़े हो गए, आपको दिख रहा होगा, कुछ फेस को अपना लुक को चेंज करूँ। और मैं पार्लर जाऊंगी तो बस आईब्रो बनाऊंगी, कुछ नहीं करूंगी क्योंकि बहुत ठंड है, खुद से ही करूंगी, जो भी कुछ करना होगा मैं खुद ही करूंगी। तो चलते हैं पार्लर और मैं रेडी हो गई। किसी भी तरीके से मैं बाल को घुमा फिरा के बांध लेती हूँ। तो अब मैंने जूड़ा बना लिया है और चलते हैं पार्लर। और सबसे पहले ना सुबह मॉर्निंग में मेरे बड़े भाई का कॉल आया और मैं बहुत खुश हो गई थी। सब उससे बात करके, पापा मम्मी मैंने सबसे बात किया, सबों ने मुझे आशीर्वाद भी दिया, बहुत ढेर सारा प्यार भी दिया। मेरे भाई भी मेरे पे बहुत ही प्यार लुटा रहे थे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैं देख लेती थी, स्विच ऑफ कर देती हूँ। और मैंने कोट पहना भी नहीं और निकल गई थी मैं बाहर। मुझे आपसे बात करते करते मैं कोट पहनना ही भूल गई थी, तो अब मैं फटाफट कोट पहन लेती हूँ। मैं आ गई हूँ पार्लर से और बहुत अच्छी तरीके से मेरे आईब्रो बन गए हैं। और यहाँ हैं दोनों मेरे बच्चे जो लैपटॉप पे अपना कुछ भी देख रहे होंगे, कुछ भी देख रहे होंगे, अपनी पसंद की चीज़ देख रहे हैं। और मैं अब चल रही हूँ किचन में खाना बनाने क्योंकि मैं शाम की तैयारी करूँगी खाने की। तो मेरे दूध आ गए हैं, पनीर आ गए हैं और मटर आ गए हैं, तो मैं मटर पनीर की सब्जी बनाऊँगी। तो दिखाती हूँ मैं आपको, ये है पनीर, मैं मटर पनीर की सब्जी बनाऊँगी, दूध की खीर बनाऊँगी। तो तैयारी शुरू करते हैं। मुझे ये मटर को छीलना भी है, तो इसको पहले मैं छील लूँगी, तो उसके बाद मैं खाने की तैयारी शुरू करूँगी। चलिए मटर लेके चलते हैं, हीटर के पास छीलूँगी बैठ के। सब प्याज कट कर लिया है बनाने के लिए और यहाँ मैंने दूध चढ़ा दिया है और इसमें मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो फटाफट बन जाएगी। फटाफट बनाना शुरू करते हैं। ये पनीर, इसको कटिंग करूँगी, बहुत चीज़ कटिंग करनी है। और मैं यहाँ कुकर में सब्ज़ी बना रही हूँ। हमेशा आप लोग मटर पनीर की सब्ज़ी कढ़ाई में बनते हुए देखे होंगे, लेकिन मैं यहाँ कुकर में बना रही हूँ। जब काम ज़्यादा हो और टाइम कम हो तो मैं कोई भी सब्ज़ी फटाफट कुकर में बना लेती हूँ। आप सब कहेंगे तो मैं ये रेसिपी भी शेयर करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि अभी जी के आने से पहले मैं सारा काम निपटा लूँ और रेडी हो जाए। मेरे भाई आ गए हैं बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए, आ गए मेरा भाई। यहाँ मेरी खीर बन रही है और मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ भाई के लिए। यह मेरा भाई मोबाइल देख रहा है, मज़े कर रहा है मोबाइल देख रहा है तब तक बैठ के। और यहाँ सिब्बू लैपटॉप पे ये देख रहे हैं, क्या देख रही है, बिना मतलब की चीज़ देख रही है ना सिब्बू, बिना मतलब की चीज़ देख रही है ना। सब मैंने सारा खाना बना लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं खाना क्या क्या बनाई हूँ। और ये मेरी बेटी है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने खाना में क्या क्या बनाया है। मैंने यहाँ पूरी बनाया,
मटर पनीर की सब्जी है, खीर बनाई हूँ, और ये है मेरा जीरा राइस, और ये मेरा भाई मिठाई लेके आया है बालूशाही। तो ये आज मैंने खाना बनाया है अपने बर्थडे पे। अभी जी आ गए, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू। मम्मा के साथ सरप्राइज वाला मोमेंट हो गया। थैंक यू हैप्पी बर्थडे। आज मैं जा रही हूँ रेडी होने, क्योंकि हम लोग को बाहर जाना है, तो बाहर की कटिंग होगी, उसके लिए मैंने कितनी ड्रेस निकाल ली है, तो मैं ये ड्रेस पहनूंगी, तब तो मैं रेडी होकर आपसे मिलती हूँ। मैं यहाँ रेडी हो गई हूँ, हेयर कॉम तो करूँ, बीजों को मैं खाना खिला देती हूँ, और यहाँ मेरे हस्बैंड है बैठे हुए, खाना मैं निकाल रही हूँ, ठीक है। इनके लिए मैं खाना निकाल रही हूँ, इनको खाना खिला के फिर हम यहाँ से निकलेंगे। हाँ, मैं बीजे के लिए खाना निकाल के ले जा रही हूँ। ये दो खीर जो देख रहे हैं ना, ये बर्तन मैं खुद ही शूट करती हूँ अपना वीडियो, थोड़ा सा दिक्कत होता है शूट करने में। और ये दो खीर देख रहे हैं, ये मेरे भाई का खीर है, इन्हीं में तो मैं इनके लिए भी खाना निकाल दिया, ये मेरे भाई खाएंगे। और खाना, और मैं यहाँ स्पून निकाल रही हूँ। क्या होता है ना मेरे साथ कि मैं अपना वीडियो खुद ही शूट करती हूँ, तो थोड़ा सा मुझे दिक्कतें आती हैं शूट करने में। तो गाइज, मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिक्कतें से मैं वीडियो शूट करती हूँ, और वीडियो एडिटिंग करने में उतना ही टाइम लगता है, उतनी मेहनत लगती है। मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। और खाना क्या बना लो अरे? खाना बहुत बढ़िया है, होटल के खाने से भी बहुत अच्छा है। हम लोग आपका खाना, होटल के खाना को छोड़ के खाना खाने आए हैं। चाहते तो हम बाहर भी खाना खा सकते थे, लेकिन बाहर नहीं खाना खाया, आपका खाना खा रहे, इतना स्वादिष्ट खाना आपके खाना। थैंक यू बुआ, थोड़ा खेल, बिल्कुल सही बात है, बहुत टेस्टी खाना है। थैंक यू। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और यहाँ है मेरा बेटा खेल रहा है, और ये है मेरे पति देव जी। हम लोग सब निकल रहे हैं, टाइम हो गया, बहुत लेट हो गए हैं। चलो, अभी भी खेलना है आपको, चलो चलो तैयार हो जाओ, शूज पहनो, रेडी हो जाओ। और मैं यहाँ से की निकाल रही हूँ, अभी जी यहाँ पे शूज पहन रहे हैं, मैं जूती पहनूंगी। रुक जा, मम्मा के साथ भी चल। चलो, तो हम लोग निकल गए हैं। सिब्बू, क्या हो गया? बहुत ठंड है, रोहित का मन था कि हम लोग केक कटिंग घर पे ही करें, लेकिन फिर मन बदल गया और हम लोग निकल रहे हैं केक कटिंग के लिए। और ये देखिए मेरा भाई सारे, ये सिर्फ मुँह छिपा रखी है। अरे अरे, हाँ ये के यहाँ पर हम केक ले रहे हैं, और तो यहाँ केक पसंद कर रहे हैं कि कौन सा केक लिया जाए। तो कौन सा केक पसंद किया हो? टफल। और यहाँ सिर्फ चॉकलेट पसंद कर रहा है, और इसमें मंच लिया है ना, मुझे भी चाहिए। तुम भी पसंद कर लो इसमें से कोई। और यहाँ केक लेके हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, कौन सा मॉल? पैसिफिक। हम लोग पहुँच गए पैसिफिक मॉल, अब चलते हैं अंदर। हम लोग चल रहे हैं अंदर की तरफ। या तो गाइस, हम लोग जगह ही डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ केक कटिंग करूँ, तो अब हम लोग चल रहे हैं। ये गेम जो देख रहे हैं, इस गेम के अंदर बहुत ही अच्छा से डेकोरेट किया जाता है। यहाँ बहुत ही डिफरेंट तरीके का गेम्स है। यहाँ पर होगी हमारी केक कटिंग। डेकोरेट किया गया जगह को, पूरी बैलून से सजाया गया है। बोलो बोलो बोलो। हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा, यहाँ पर क्यों इसलिए मम्मी गंदी करेंगे। हमारी केक कटिंग हो गई है, अभी हम लोग बैठ के यहाँ पे केक खा रहे हैं। ये मेरे को चॉकलेटी केक बहुत पसंद है। निकल रहे हैं घर,
उन्होंने काफ़ी सारा फोटोशूट किया, केक खाया, बहुत ही मस्ती मजा किए और हम यहाँ से घर निकल रहे हैं। काफ़ी ठंड बढ़ रही है, मतलब क्या बताऊँ, दिल्ली का ठंड तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। नॉट ज़्यादा ठंड है, बहुत ठंड बढ़ी, इसलिए हम निकल रहे हैं घर की तरफ। मैं घर आ गई हूँ और अभी जी मेरा भाई चला गया पार्किंग गाड़ी लगाने के लिए, अच्छे से सेलिब्रेट किए हम लोग। और ये है मेरा बेटा, मैंने काफ़ी फोटोशूट किया ना। हाँ बस भी करते रह गए। गेम खेलेंगे कोई नेक्स्ट टाइम के लिए, छोड़ दो वो चीज़। अब मैं खाना खाऊंगी, टेस्टी खाना बनाया था है ना। हाँ काफ़ी टेस्टी मैंने खाना बनाया था, इसे मैंने टेस्ट भी नहीं किया है। अभी जी लोग खाना खा चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ खाने, सिप्पू भी नहीं खाई है और ये सिप्पू खाना खाऊंगी। और ये है सिप्पू का केक, काले के लंच के लिए केक। ये केक वहाँ खाई नहीं, इसका ना पूरा मन वो हो गया था, अजीब हो गया था, मीठा मीठा हो रहा था कि मम्मा मैंने घर पे भी खीर खा ली थी मीठा मीठा, तो उसको खाया नहीं जा रहा था वहाँ पे। तो ये अपना केक ना, अपना केक बचा के ले आई, तो काफ़ी सारा केक भी बच गया है। तो ये लोग कल लंच में ले जाएगा, स्कूल ले जाएगा, लोग केक अपने फ्रेंड को खिलाएगा। तो खिला देना ना, खिला देना सीट, कोई बात नहीं। ऐसे नहीं बोलते गाय। जब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, बहुत जल्द मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और गाइस अगर आपको मम्मी को गिफ्ट देना है तो सब्सक्राइब कर दो। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।